हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज जो है हम आपके लिए बनाने वाले आलू की चटनी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और गर्मियों में तो अक्सर लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू की चटनी, और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये आलू है जो मैश किए हुए हैं हमने, और ये चॉप की हुई हरी मिर्च है, ये चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज है, ये हमारे पास है नमक है, लाल मिर्च और हल्दी है, ये तकरीबन एक कप घी है, ये जो है टमाटर है वो भी मैंने चॉप किया है, तो इन्हें पीसा हुआ है सारा। ये सबसे अहम चीज़ होती है जो कि पुदीना है आलू की चटनी में, ये बहुत ही अहम है। पुदीना जो है मैंने इसके बारीक काटा हुआ है, और दो हरी मिर्च है, और इन सब चीज़ों से जो है आलू की चटनी बनाने वाली। इन्हें आप पराठों के साथ खाएँ या वैसे खाएँ, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप ज़रूर बनाएँ और फिर मुझे बताइएगा कि कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि कैसी बनती है, ताकि हम आपके लिए आइंदा भी नई नई वीडियो लेके आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये हमारे एक कप घी है तकरीबन, मैं इसमें डाल दूँगी, और ये याद रखिएगा कि सारा हल्की आँच से बनेगा। और उसके बाद जो है मैं इसमें डालने वाली हूँ ये हमारा प्याज और लहसुन जो कि मैंने चॉप किया हुआ है, इसे मैंने डाला है, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे इसे हम, ताकि जो है इसमें टेस्ट भी अच्छा, इसका कलर भी अच्छा हो। तो इसे लाइट ब्राउन करेंगे, ये देखिए अभी ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो है मैं इनमें डालने वाली हूँ हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें मैं, जो कि चॉप की हुई थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि हमारे आलू जो है वो बॉयल किए हुए, पहले से हमने इन्हें बॉयल कर लिया था और उनको हमने मैश कर ली। ये देखिए, ये देखिए मैंने हरी मिर्च इसमें डाली, इसके बाद में थोड़ी देखिए देखिए, क्योंकि घी है इसमें फ्राई करेंगे, ताकि जो है इनका जायका सारा इसमें आ जाए। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा हो रहा था। अभी हमें और चीज़ें इसमें हम ऐड करने वाले हैं, तो अब ये देखिए हरी मिर्च जो है मैंने इसमें डाली, और अब मैं इसे थोड़ा हिलाऊँगी, ताकि हिलाते रहना ताकि वो जले नहीं। और आँच मैंने थोड़ी तेज कर दी, आप कोशिश कीजिए कि आँच थोड़ी हल्की रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, मसाला जो रहता है साहब। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर, ये भी मैंने इसे पीसा हुआ टमाटर ग्राइंड किया हुआ है सारा, क्योंकि आलू बॉयल किए रहते हैं और उनमें मसाला जो है मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हर चीज़ जो है मैंने पहले से ही चॉप और ग्राइंड की है, ताकि वो जल्दी से उसमें हल हो जाए, मिक्स हो जाए। इसको थोड़ी हिलाना है, हराते रहेंगे इसे, देखते रहेंगे। ये देखें ये हो रहा है बहुत ही अच्छे से, और अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये इसमें है हरी मिर्च है इसमें, अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ, इसमें है लाल मिर्च, नमक और हल्दी मैंने इसमें ऐड की, और अभी इसे हिलाएंगे अच्छे से। वैसे तो आलू की चटनी में हम पानी डालते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया आलू बॉयल किए हुए थे पहले से, तो इसमें जो पानी नहीं डालते, लेकिन अभी मैंने इसमें डाला है नमक डाला है और लाल मिर्च, और वो ऐसे होता है ऐसे इसका जलने का डर होता है, और अच्छे से मिक्स करके हम हल्का सा पानी डालते हैं ताकि वो जले नहीं। ये देखते हैं, ये मैं इसे इसमें अच्छे से हल कर दूँगी। सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट तक मैं जो है इसकी भुनाई करूंगी, और उसके बाद हमारी जो है सब्ज़ी आधे से ज़्यादा तैयार हो जाएगी, फिर हम बस इसमें आलू डालेंगे और हमारी सब्ज़ी आलू की चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कि मैंने इसमें बड़ी अच्छे से मिर्च वगैरह जो थी अभी अच्छे से भुनाई इनकी हो गई है, और अभी मैं इसमें आलू डालने वाली हूँ जो कि बॉयल किए हुए और मैश किए हुए। तो ये देखिए अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, हम जो आलू इसमें डाल रहे हैं ताकि इसमें आलू डाल दिए, और आलू डालने के बाद मैंने आज का सारे आलू
है इस मसाले के अंदर जो है मिक्स करने वाली हूँ, ताकि सारे जो आलू मसाला जो है हल हो जाए। ये देखिए बड़ी इसमें आसानी से जो है ये मिक्स हो जाएगा। ये मैं इसे अच्छे से इसमें सारे को मिक्स कर रही हूँ। यहाँ आपने आँच बहुत ही ज़्यादा हल्की कर देनी है, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है जितना भी हमने मसाला जो पहले तैयार किया उसमें आलू पोहे जो ऐड किया है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें सारे को मिक्स कर दें और वो सारा एक जैसा टेस्ट हो। अगर आँच आप यहाँ ज़्यादा रखेंगे तो वो जल्दी शुरू हो जाएगी और मसाला से इस मिक्स नहीं होगा, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। इसे मिक्स करने के लिए आँच हल्की रखें और सारे को मिक्स कर दें। ये आप देख रहे हैं मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो ये देखें मैंने ये सारा जो जितना मसाला था आलू के अंदर मिक्स कर दिया है। और अभी हम सबसे खास चीज़ करने वाले हैं वो क्या है, हम इसमें पुदीना डालने वाले हैं। ये थोड़ा पुदीना मैं थोड़ा डाल रही हूँ, ऐसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप, आपको जितना पसंद हो। तो ये इसमें सबसे अहम चीज़ होती है, मैं पुदीना डालूँगी, पुदीना और धनिया बड़ी कटा हुआ है। इसको करने के बाद मैं इसे अच्छे से हिला दूँगी, ताकि सारे के अंदर वो जो है मिक्स हो जाए। इसको मैंने इसमें मिक्स कर दूंगी, पुदीना इसे मिक्स हो गया है। ये देखिए अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये हरी मिर्च है, ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है, बहुत अच्छा टेस्ट हो। ये मैंने क्या कहते हैं, ये हमारी जो है आलू की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है। ये बिल्कुल तैयार है और आप सर्व कर सकते हैं इसको, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। तो आप ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मैं नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। और चले चलते हैं, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।